पगली को लेके आ चुके हैं सेल्फी पॉइंट पे। सोचा होगा सेल्फी पॉइंट पे घुमा दूं अपना खेल। चलो आगे चलो। भाई मेरे बहन को डर लग रहा है, पहली बार आई है ना इसीलिए। तो भाई ये रहा इसका टॉप जो अभी इसको पसंद आ रहा है। तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। मैं फिलहाल आया था मऊ के तरफ, अपना जो फोन है ना इतना ज्यादा हिट हो रहा था, इसको लेकर आया था कि ताकि इसको सर्विस सेंटर पे दिखा सकूं और मेरा इशू है ना वो सॉल्व हो सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फोन को मैंने दिखाया 10 मिनट यूज करके भाई, और 45 डिग्री से ऊपर हीट ही नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि 48 डिग्री तक जब हीट होगा ना उस टाइम आपका फोन जो है कि रिप्लेस किया जाएगा भाई, वो भी 14 दिन के अंदर। ये सैमसंग का ये शॉप है जो कि आप यहाँ पे फोन बाय कर सकते हो, ऊपर सर्विस सेंटर है। यहाँ पे हम लोग विजिट किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और आज हमारा 14वां दिन है। तो ये 14 दिन के अंदर ही भाई रिप्लेस हो सकता है। बोले अपडेट आएगा तो हो सकता है कि सुधार आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। मैंने बोला ठीक है देख लेता हूँ भाई, अब तो सिस्टम ले लिए भाई, देखना ही पड़ेगा इसको। तो जो मेटल का वो पैनल होता है ना वही बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और उसके बाद ऐप वगैरह एडिटिंग कर रहा हूँ तो लैग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं अपने सिस्टर के साथ आया था, इधर आई अपनी बाइक, तो इसको भाई थोड़ा बहुत घुमाना वगैरह था। क्या अंकल जी, मैं वीडियो बनाता हूँ। आज इसको पहली बार घुमाने जा रहा हूँ अपने मऊ सिटी के तरफ, इसको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो फाइनली हम लोग वी मार्ट के पास पहुंच चुके हैं, अभी चलेंगे शॉपिंग करने। बहन को शॉपिंग कराएंगे भाई, और इसके ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। इसके अंदर चलेंगे इनके साथ, अपनी बहन के साथ। देखो टॉप वगैरह किधर मिलेगा, अब बस देखो फिर देखो कुछ समझ में आवत है। इतना सही थोड़े लगाते है, तो सब खरपतवार लगाते है, जंगली लगा था सर। हाँ यार एक ले चला भाई, इसको लेके जा रही है चेंज करने के। चल चल फटाक सर। तो भाई ये रहा इसका टॉप जो अभी इसको पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता भाई टॉप वगैरह के बारे में, इतना सा फलाना ढिमकाना मुझे नहीं मालूम। ये वाला देख ले फिर, ओकर निकाल के लाओ, ये सही बात। तो भाई अब की बार ये वाला टॉप यूज की है जो कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। तो भाई अभी मॉल से जस्ट हम लोग बाहर निकल चुके हैं, कुछ खरीदे नहीं, बस ऐसे ही घूमकर अंदर से चले आए। कुछ पसंद ही नहीं आया मेरे सिस्टर को, मैंने बोला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बस तू घर चल के अपने मार्केट से ले लियो। म्यूजिक अभी मैं आ चुका हूँ भाई अली बिल्डिंग के पास। इधर मेरे को कैमरा ग्लास लगवाना था, पिछले हफ्ते भी आया था तो भाई लगा नहीं था, इस बार सोच रहा हूँ लगवा लूँ इसको। अगली बार तो भयंकर बारिश हो रही थी भाई अली बिल्डिंग के अंदर ना, वो कैमरा ग्लास के मामले में सब लीन बटा सन्नाटा है। दूसरी हफ्ता आया हूँ, दूसरे हफ्ता में भी नहीं मिला भाई। इतना महंगा महंगा फ़ोन का कौन रखता है, मुझे भी पता है। हमारे लोकल एरिया है ना, सब लेगा नहीं लोग, इसकी वजह से लोग नहीं रखता है। अभी भाई यहाँ पे सैमसंग का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आ चुका हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कैमरा ग्लास मिल जाए भाई। अगली बार आया था तो उसका कलर ही नहीं था। ये सिस्टम तो अपन को ना कैमरा ग्लास अपने मऊ में ही मिल गया। मैं तो सोच रहा था कि बनारस जाना पड़ेगा, इन भैया के पास मिला। अभी ग्लास तो लग गया कैमरे पे, अभी इसकी क्वालिटी आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी क्वालिटी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, बस हाँ अपना जो कलेजा है ना इसको सुकून मिलेगा, स्क्रैच नहीं आएगा अगली बार। भाई कैमरा ग्लास लगने के बाद कुछ ऐसा मौसम दिखाई दे रहा, ये देखो बेचारी यहाँ पे खड़ी है, देख कैमरा ग्लास लग गए। हुआ था कुछ नीला पीला लौका था वो बोल खाना भाई, 150 रुपए लग गए ग्लास की भाई। कोई बात नहीं, कलेजे पे स्क्रैच नहीं आएगा भाई, इतना तो पता है भाई। इस पगली को लेके आ चुके हैं सेल्फी पॉइंट पे, सोचा होगा सेल्फी पॉइंट पे घुमा दूं, सेल्फी पॉइंट पे भी नहीं घूमी है ये। मुझे लगा ये नहीं आई है, अब बोल रही अपने जुबान से कि आई थी, अब आई थी तो सही है।
यहाँ पे देखो पूरा काई काई सा हो रखा है पूरा टोटली। ये रहा अपना आई लव मऊ। इतनी तगड़ी धूप है कि आग तो इधर का उधर चकचुनरिया आ जाता है भाई, इधर उधर भाई लेंस जो है अपनी आंखों का भाई दिख ही नहीं रहा है लेंस पे। तुहरा आग कैसा लगता हो? अच्छा लगता हो? यहाँ तो नहीं डेली वीडियो बनावे, लेकिन हाई फोन हमारे पास नहीं था। अभी हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का फ़ोन मिला है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ काम में भी फंसा हूँ फार्मिंग में, तो वहाँ से दो चार दिनों में फुर्सत में आता हूँ, फिर ये वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर। लो भाई अपने बहन के साथ आ गए रोज गार्डन में घूमने के लिए। लगभग एक वीक पहले आया था, अभी आया हूँ तो देखो कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। चलता हूँ इसको पहले घुमा देता हूँ रोज गार्डन के। तेरी झलक शर्फी भाई, मेरे बहन को डर लग रहा है, पहली बार आई है ना इसीलिए इसको डर लग रहा है। पहली बार आई है ना मेरे ब्लॉग में, वो भी पब्लिक के सामने। तो अब घर में भाई ब्लॉग किया हूँ तो ये लोग तो घर में ही फेस किया है ना कैमरा, अभी इसको पब्लिक के सामने फेस करने को पड़ रहा है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस जैसा जो सिस्टम होता है ना, वो वाला सिस्टम है इसके अंदर। मैं अपने मेरी बहन देख रही है नीचे, फोकस कर रही है कि जो घास है ना, घास कटा हुआ बहन घास। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रहा है, ये घास कटा हुआ है। बताओ लगत कैसे लगे, क्या लगत है इधर? देख हरियाली लगो तो चारों ओर घास उस पूरा एकदम चारों ओर घास उस कितना जामल बा अभी बा। ये लड़की पता है क्या बोल रही है मेरी बहन, घर में रहने के बाद और जब बाहर निकलो ना तो उसके बाद दुनिया बोल बा। ये पता है हमारी जो बहन लोग है ना, ये लोग गांव विलेज में रहती है ना, तो इन लोगों को दुनिया के बारे में पता नहीं चल पाता। इन लोगों को लगता है कि दुनिया बस इतने में ही है, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत गोल है, गोल मटोल है, ऐसा होता है भाई। तो मेरी बहन को यहाँ पे लाया हूँ तो मेरी बहन को ऐसा लगा है ना आज दुनिया बहुत बड़ी है। अभी ये मुंबई दिल्ली घूमेगी तो इसको और लगेगा कि नहीं 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 अब दुनिया तो और बड़ी है। चल आगे की चल, और बात घर में अलग बात। इतनी खुशी अपने बहन को लाकर, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई थी भाई। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी। हाँ चल आगे की चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे आगे चलो। आप लोग इस टाइम पे देख रहे हो मेरे बहन को ब्लॉगिंग करते हुए और लम्बा तो सब लगे भाई नहीं सही है। इतनी खुशी कैसे की एक कहानी। तो अभी मैं आ चुका हूँ रतनपुरा मार्केट के अंदर, यहाँ से मुझे जो मेरा स्किन ग्लास है ना उसको लगवाना है, क्योंकि यहाँ फ्री में लगने वाला है भाई। मैं लगभग दो वीक से इंतजार कर रहा था कि आज लग जाए कल लग जाए, बट आ चुका है। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये तो मुझे बैग कवर दे के बुलवाई थी, बोले कि ग्लास आया है बट लोकल देकर चला गया वो जो दुकानदार है। तो ये ग्लास मतलब बैक कवर लगा हुआ है ऐसा ब्लैक हुआ है जो भी है। तुम बस मूव ऑन कर, तो भाई लोग मैं फिलहाल आ चुका हूँ घर पे, और अब सिस्टम ऐसा हो रखा है कि सुंदर से ब्लॉक के अंदर आपका भाई जा रहा है फार्मिंग करने।
तो थोड़ा बहुत घूमे हैं और दुनिया बड़ी बड़ी दुनिया देखे। ये रही मेरी माता श्री जी, माता श्री जी। शाम को बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। फटाफट चलते हैं भाई और खेतों में पहुंचते हैं, बहुत दिखाते हैं काम आपको। नींबू पानी भाई पीने के लिए, वहां समोसा खाई के पानी ना पिए। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने प्यारे से सुशील खेत के अंदर। ये रहा मेरा टीवी जो कि पिछले ब्लॉग में आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जो मेरी पुरानी ऑडियंस होगी वो ऑडियंस। ये हमारा खेत रहा, यही बीज वगैरह को उखाड़ना है, दूसरे खेत में ले जाकर रुपाई करना है। ये देखो सामने मेरे अंकल जी काम कर रहे खेतों में। गाइज यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी है बीज उखाड़ने के लिए। यहाँ पे मम्मी बीज उखाड़ेगी, इधर से मैं बीज उखाड़ूंगा और बहन वगैरह आएंगी तो उखाड़ेंगे, नहीं तो हम दो जना मिलकर उखाड़ेंगे। तो भाई लोग जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बहन लोग भी आई है यहाँ पे बीज उखाड़ने के लिए। वो देखो पीछे दिखाई दे रही है दो बहन मेरी, वो पीछे वाली गई थी हमारे साथ मार्केट घूमने, ये बड़ी वाली है और वो रही मेरी मम्मी।